खरगोन जिले के बढ़वा में गुरुवार रात आई रिपोर्ट में 5 नए मरीजों के पॉजिटिव रिपोर्ट होने की पुष्टि हुई है। दशहरा मैदान और स्टेशन रोड पर नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जबकि सराफा बाजार और महावीर कॉलोनी पुराने जोन को विस्तारित किया गया है। लगातार मरीजों के संक्रमण होने के बावजूद बाजार में लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग के प्रति अब भी जागरूकता की आवश्यकता है। बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लग रही भीड़ और बाजार में जमा लोग खुद ही संक्रमण के अवसर बढ़ा रहे हैं। बकौल SDM मिलिंद ढोके, स्वयं जनता से अनुशासित रहकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने को कह रहे हैं। कस्बा पंचायत क्षेत्र में आने वाले दशहरा मैदान की महिला के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के लिए पंचायत कर्मियों को बैरिकेडिंग सामग्री के लिए जद्दोजहद करते देखा गया। समाचार लिखे जाने तक कंटेनमेंट जोन नहीं बन पाया था। किल कोरोना अभियान के अंतिम दिनों संक्रमित का आंकड़ा, सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत हो सकती है। हम आपसे अपील करते हैं कि अपने घरों में ही रहें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की आदत को अपनाएं। सतर्कता ही सुरक्षा है, ये समझना होगा। बढ़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। एरिया बनाया गया है, कल 5 पॉजिटिव आए बढ़वा में, इसी कारण 5 कंटेनमेंट नए जोन बनाए जा रहे हैं। सर, मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेके क्या नई और किया जाएगा? एक्चुअली क्या, लगातार किल कोरोना का जो अभियान चल रहा है उसमें सैंपल ले रहे हैं, तो जो व्यक्ति इससे पीड़ित है, सर्दी खांसी या सांस लेने में तकलीफ या बुखार थे, वो लोग ट्रेस हो रहे हैं। उन लोगों के जब सैंपलिंग ले रहे हैं तो उसके अंदर उसके हिसाब से कुछ पॉजिटिव आ रहा है। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो आगे प्रशासन की क्या रणनीति रहेगी? देखो, रणनीति ये किल कोरोना अभियान 1 से 15 तक हो गया। एक बार अपन लोग सारा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता सर्वे भी करवा चुके, उसके बाद ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता को निर्देश दिए कि लगातार वो पुनः जाँच करते रहे। अगर ऐसा कोई सिम्टोमेटिक आता है उसकी जानकारी ANM को देगा, तो अपनी MMU टीम फिर उनका सर्वे करके सैंपलिंग की कार्रवाई करेगी। और सर, बाजार में जो बढ़ती भीड़ है, प्रतिष्ठान वाले अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, जनता में एक आदत नहीं आ पा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, इसके लिए क्या सोच रहा है प्रशासन? प्रशासन तो सतत काम कर ही रहा है, देख रहे हैं, रोज का चालान बना रहे, रोज का जो मास्क नहीं पहनता उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक समझ के साथ ही इसमें परिवर्तन आएगा, लोगों को समझना पड़ेगा। थैंक यू सर। अपना परिचय सुनील प्रजापति, किस पद में अभी? GRS बढ़वा करना। अच्छा, ये आपके पड़ोस में महिला को संक्रमित पाया गया है, क्या आप क्या इंतज़ाम किए पंचायत ने इसके लिए? सैनिटाइज करवा दिया है सुबह से जी, और रात को 10:30 बजे इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। उसके बाद हमने सुबह सैनिटाइज करवा दिया, DTT पाउडर छिड़काव कर दिया है और अभी कंटेनमेंट की तैयारी चल रही है। तो क्या महिला को अस्पताल भेजा जा चुका है? नहीं, महिला सुबह से जाँच करवा के आ चुके हैं। हाँ, स्वास्थ्य विभाग को अवगत करवा दिया है। अब उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है भी पता चलता है। अच्छा, अभी होम क्वारंटाइन है केवल? जी, होम क्वारंटाइन। और ये गली आप ब्लॉक कर रहे हैं? जी, गली ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।